वर्णीय लोग जो कहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उसका प्रभाव समाज पर होता है, और ये मध्यम वर्ग जैसे जैसे बढ़ते गया तो वो प्रभाव नीचे तक आते गए। नहीं तो सेक्स के तरफ देखने का इतना विचित्र दृष्टिकोण भारतीय परंपरा में सबका नहीं था। अलग अलग जाति जमातियों में अलग अलग दृष्टिकोण थे। हमारे शंकर जी की पिंड अलग होती है, लिंग का हिस्सा अलग होता है, योनि का हिस्सा अलग होता है, उसकी भी हम पूजा करते हैं। और हमेशा जागृत मंदिर इसी ढंग का होता है कि जिसमें ये अलग अलग हिस्से होते हैं। भारत में कई जगह केवल योनि की पूजा होती है, वैसी भी मूर्तियां होती है। शाक्त परंपरा रही है, अलग अलग ढंग की परंपराएं रही हैं, ब्रह्मचारी परंपरा, और दूसरे तरफ सेक्स एजुकेशन देने की भी परंपरा। खजुराहो उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। खजुराहो के तो सभी वैसे के वैसे बाकी हैं, तो हम जाकर देख सकते हैं, कोणार्क है, कई मंदिरों में शिल्प है। जगन्नाथपुरी के मंदिर पर भी शंकर पार्वती का संभोग दृश्य दिखाया गया। तो ये सब परंपराएं भारत में रही। महर्षि कर्वे जी ने जो कहा है कि सेक्स मानवीय जीवन की आवश्यकता है, जैसे इंसान का खाना है पीना है उसी ढंग का ये हिस्सा है, इसमें हमने मॉरेलिटी ढूंढते बैठने नहीं चाहिए, ये बात साइंटिफिकली 100% करेक्ट। शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मयूर गवई इनका सवाल है कि रघुनाथ जी कर्वे, इन्होंने जो सेक्स के बारे में मत व्यक्त किया है कि इंसान की जैसी बाकी जरूरतें होती है वैसे ही सेक्स की जरूरत होती है, उसमें मॉरेलिटी, नैतिकता वगैरह ये सब चीजें डालना गलत है, उसमें कोई मतलब नहीं है, तो इसके बारे में आपके क्या मत? आपने बहुत ही अलग और बहुत अच्छा सवाल पूछा है। रघुनाथ जी कर्वे, इनका थोड़ा सा परिचय मैं आप बाकी लोगों के लिए देता हूं क्योंकि उन्होंने शायद ये नाम भी पहले कभी सुना नहीं। हमारे यहां महाराष्ट्र में महर्षि कर्वे, ये बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। स्त्रियों के उत्थान के लिए और स्त्रियों के एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है पुणे में, उनके नाम से कई कॉलेजेस भी है जिन्होंने वो शिक्षण संस्था शुरू की थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू की थी वो। इस कारण जनरली महाराष्ट्र के लोग तो भी कम से कम ये नाम सुने रहते हैं, महर्षि कर्वे जी का। उनका ये बेटा, गलत हो सकता हूं मैं आसपास क्योंकि उनके बारे में बहुत कम जानकारी होती है, लेकिन इनका रघुनाथ कर्वे जी का नाम इसलिए लिया जाता है कि उन्होंने उन दिनों में कुटुंब नियोजन के बारे में, वो साधन लोगों ने उपयोग में लाने चाहिए इसके बारे में काफी प्रचार प्रसार किया था, और सेक्स ये विषय पर लिखने की हिम्मत वो करते थे। और उस समय पुणे में इतने प्रगत विषय पर बात करना, लिखना, उसका प्रचार प्रसार करना, इस कारण उनको बहुत लानत लोगों की झेलनी पड़ी। लोगों ने उसको उनको बहुत भला बुरा कहा। यानी महर्षि कर्वे जी का लड़का इतना नालायक निकला, इस ढंग का वातावरण उसमें से तैयार किया। लेकिन इस क्षेत्र में ये बहुत ही साइंटिफिक विचार करने वाले व्यक्ति थे, और करीबन यही विचार बर्ट्रांड रसेल, जिनका नाम मैं हमेशा लेता हूं, इन्होंने बहुत ताकत से रखे। बर्ट्रांड रसेल यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और फिलोसोफर भी थे।
अब वैज्ञानिक और फिलोसोफर, ये दोनों कॉम्बिनेशन हमको बहुत बड़ा अजीब लगता है, लेकिन तब ब्रिटेन में ऐसे विषय चूज करने का अधिकार होता था कि एक तरफ आप फिलोसॉफी भी यूज कर सकते हो, दूसरी तरफ आप साइंस के विषय भी चूज कर सकते हो, और दोनों में बहुत ऊंचे दर्जे के थे। रैशनलिज्म उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लोगों के सामने रखा, इसलिए उनका नाम बार बार लिया जाता है। उनकी काफी किताबें बहुत प्रसिद्ध है, कई किताबों का नाम मैं बार बार लेता हूं। मॉरल्स एंड मैरिजेस नाम का किताब मैं आपको बार बार आपके सामने रखता हूं। सेक्स के तरफ देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है, मैंने पहले ही कहा, अंग्रेज इस देश में आने के बाद में जो एजुकेशन हमारे भारतीय लोगों के हिस्से में आया, उस कारण हमारी सेक्स की धारणाएं उन जैसी बन गई। और ये एजुकेशन विक्टोरियन पीरियड का था, तब इंग्लैंड पर कैथोलिक सेक्स परंपरा का बहुत बड़ा प्रभाव था, उस मॉरेलिटी को लेकर ये एजुकेशन आया था। और उस एजुकेशन के पद्धति के कारण यहाँ का जो एक, जिसको हम कहेंगे एक उच्च वर्णीय क्लास जो है भारत का, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, वो पहले से ही समाज के उच्च वर्णीय रहे हैं। चाहे अंग्रेजी का शासन हो, चाहे किसी का भी शासन हो, मुस्लिमों का शासन हो, मुस्लिमों के राज में भी उनका वर्चस्व कायम रहा है। और जब ये एजुकेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले उसका फायदा उठाने में यही वर्ग था, फिर धीरे धीरे बाकी लोग पढ़ने लग गए, क्योंकि अंग्रेजों ने सबके लिए ही एजुकेशन खोलकर रखा था। और ये उच्च वर्णीय लोग जो कहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उसका प्रभाव समाज पर होता है, और ये मध्यम वर्ग जैसे जैसे बढ़ते गया तो वो प्रभाव नीचे तक आते गए। नहीं तो सेक्स के तरफ देखने का इतना विचित्र दृष्टिकोण भारतीय परंपरा में सबका नहीं था, अलग अलग जाति जमातियों में अलग अलग दृष्टिकोण थे। यानी सेक्स यानी पाप है, पति पत्नी ने भी एक दूसरे के साथ में सेक्स नहीं करना चाहिए, केवल बच्चा पैदा होने के लिए ही सेक्स करना चाहिए, यहां तक सेक्स को बुरा कहने की एक जो परंपरा है वो कैथोलिक परंपरा। ऐसी ही परंपरा भारत में एक ब्रह्मचारी परंपरा थी, जैनों की भी परंपरा थी, इसलिए मैंने केवल ब्रह्मचारी परंपरा कहा, धर्म ऐसा उसमें मैं ये नहीं करता हूं, फर्क नहीं करता। और उस कारण सेक्स को पाप माना गया। यानी बड़ा एक विचित्र भारत में वातावरण था कि एक तरफ शंकर जी के मंदिर जगह जगह पर है, हमारे शंकर जी की पिंड अलग होती है, लिंग का हिस्सा अलग होता है, योनि का हिस्सा अलग होता है, उसकी भी हम पूजा करते हैं, और हमेशा जागृत मंदिर इसी ढंग का होता है कि जिसमें ये अलग अलग हिस्से होते हैं। भारत में कई जगह केवल योनि की पूजा होती है, वैसी भी मूर्तियां होती है, शाक्त परंपरा रही है, अलग अलग ढंग की परंपराएं रही हैं, ब्रह्मचारी परंपरा और दूसरे तरफ सेक्स एजुकेशन देने की भी परंपरा। खजुराहो उसका उत्कृष्ट उदाहरण है, खजुराहो के तो सभी वैसे के वैसे बाकी हैं, तो हम जाकर देख सकते हैं, कोणार्क है, कई मंदिरों में शिल्प है, जगन्नाथपुरी के मंदिर पर भी शंकर पार्वती का संभोग दृश्य दिखाया गया। तो ये सब परंपराएं भारत में रही, लेकिन इसके बावजूद तब पुणे में वातावरण बहुत बदल चुका था। पुणे ये हमेशा एजुकेशन का बहुत बड़ा हब रहा,
तो ये अंग्रेजों का विक्टोरियन पीरियड का एजुकेशन, ब्राह्मणों का पुणे में जो था वर्चस्व, तो ये विक्टोरियन पीरियड की विचारधारा सब तक फैल चुकी थी। और ऐसे पुणे में ये विचार रखना ये बहुत ही क्रांतिकारक बात थी। तो ये हो गई पार्श्वभूमि। अब इस विषय पर एक विस्तार से बात करनी चाहिए, ऐसा ये विषय है, लेकिन आपने सवाल जो पूछा है उसका मैं 2 मिनट में आपको जवाब दे दूंगा। महर्षि कर्वे जी ने जो कहा है कि सेक्स मानवीय जीवन की आवश्यकता है, जैसे इंसान का खाना है पीना है उसी ढंग का ये हिस्सा है, इसमें हमने मॉरेलिटी ढूंढते बैठने नहीं चाहिए, ये बात साइंटिफिकली 100% करेक्ट। यही बात बर्ट्रांड रसेल ने बहुत साइंटिफिक तरीके से कही, और मैंने भी जब सेक्स एजुकेशन इस विषय पर आपके सामने मैं बोला हूं, सी कोर्स में बोला हूं, उसमें भी अभी आधा अधूरा है, उसका केवल एक हिस्सा हमने सीखा है, बाकी का दूसरा हिस्सा बाद में हम सीखने वाले हैं, फिर भी उसका फाउंडेशन तैयार करने के लिए ये बातें मैंने आपके सामने रखी कि मैरिज सिस्टम किस कारणवश तैयार हुए। हमारे इंसान का जो पूरी उम्र है, जो भी आपको समझनी है, 1.5-2 लाख की समझनी है, 10 लाख की समझनी है, 20 लाख की समझनी है, इतने सालों के उम्र में जिस ढंग की आज हम मॉरेलिटी की स्त्री पुरुष संबंधों में कल्पना करते हैं, उस कल्पना की उम्र नगण्य रही, 9 के बराबर रही, 1 man 1 woman रिलेशनशिप। तो ये केवल मैंने विस्तार से आपके सामने बात रखी है, जिनको ऐसा, जो लोग नए से सुन रहे हैं उनको मैं इतना ही कहूंगा, आप YouTube चैनल पर जाइए श्याम मानव के, और उस चैनल पर आपको यह हिस्सा बहुत विस्तार से मैंने आपके सामने रखा है, आपको मिल जाएगा। विवाह संस्था का इतिहास, विवाह संस्था का इतिहास, इस हेडिंग से आप उसको ढूंढ लीजिए। तो विवाह संस्था हमारी कैसे निर्माण हुई, उसके पीछे के उद्देश्य क्या थे, और उसके बाद में ये स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में हमने कैसे मॉरेलिटी निर्माण की, उस कारण कैसे स्त्रियों पर बंधन लादे गए, और ये बंधन लादने के बाद में कैसे 2 स्वतंत्र स्त्रियों के वर्ग निर्माण हुए, एक वेश्या और दूसरा गृहस्थी करने वाली स्त्रियां, उसके पहले की अवस्था क्या थी, ये सब आपके समझ में आ गए। नेचर ने ही सेक्स को खुला रखा, क्योंकि इंसान जो है ये दुबला प्राणी है, ये केवल समूह के कारण जिंदा रह सकता है, और इसमें संख्या बल बहुत महत्व का होता है। पूरे प्राणी जगत में ही 2 नेचुरल इंस्टिंक्ट्स प्राणियों को प्राप्त होती है, किसी भी अवस्था में जिंदा रहने की इच्छा, और उसके लिए चाहे वो करने की तैयार, ये पहली इंस्टिंक्ट, जिंदा रहने की इच्छा किसी भी परिस्थिति में, और दूसरी हमारे रिप्लिकाज निर्माण करने की। मैं तो यानी इंसान मानव ये तो मरने वाला है, मर्त्य प्राणी है, वो अपने आप को अमर बनाता है अपने जैसे ही मानव निर्माण कर। तो इसलिए नेचर ने ये दूसरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए इंसान में स्त्री पुरुष संबंध निर्माण करने की तीव्र इच्छा निर्माण की, जिसे हम लव कहते हैं, प्रेम कहते हैं, आकर्षण कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, या फिर केवल सेक्स भी कहते हैं, और इसमें ऐसा आनंद भर दिया कि ताकि स्त्री पुरुष संबंध एक दूसरे के साथ में होने के बाद इतना आनंद मिले कि उसके लिए बार बार वो करने की कोशिश करे, जिस कारण बच्चे पैदा हो और मनुष्य की जमात अमर बने। तो ये वो प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसा जिंदा रहने के लिए हमें आवश्यक है खाना, जिंदा रहने के लिए पानी पीना आवश्यक है,
वैसा ही मानवीय जीवन में सेक्स भी आवश्यक है तंदुरुस्त रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए, और हर व्यक्ति को सेक्स का अधिकार होना चाहिए। और ये पुनः जैसे कर्मठ वातावरण में रघुनाथ जी कर्वे कहते हैं, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। उनकी बातें करीबन नहीं सुनी गई, बहुत कम उनको प्रतिसाद मिला। और अण्णा साहब कर्वे, जो हम कहते हैं महर्षि कर्वे, उनके तुलना में तो करीबन एक बदनाम पुत्र माना गया, लेकिन उन्होंने बहुत महत्व की बात कही। तो जिन लोगों को इसका साइंटिफिक हिस्सा समझ लेना है, उन्होंने YouTube चैनल पर जाकर ये विस्तार से सीरीज सुननी चाहिए। शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।